हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल बोर्ड की तरफ से विंटर हॉलीडेज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है, उनको बढ़ा दिया गया है। बट 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में बुलाया गया है। तो छुट्टियों को लेकर एक जो लेटर है वो जारी हो चुका है। तो उस लेटर में क्या अपडेट है उसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रिलेटेड जितने भी प्राइवेट एडेड और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर फर्स्ट क्लास लेकर 7वीं क्लास तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हॉलीडेज़ कर दी गई हैं, और 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को स्कूल में बुलाया गया है। एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के जो ट्विटर का लोगो है वो लगाया गया है, और नीचे जो न्यूज़ है उसको एडिट किया गया है। तो इसमें उन्होंने 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सभी स्कूल्स में जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ा दिया गया है, ऐसी न्यूज़ यहां पर लिखी गई है। बट ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। तो एक जो लेटर है वो जारी हो चुका है, तो उसके बारे में जो छुट्टियाँ हैं उसके बारे में क्लियर लिखा है कि किन स्टूडेंट्स को छुट्टियाँ हैं और किन स्टूडेंट्स को छुट्टियाँ नहीं होंगी और कैसे उनको लागू करना है, ये सारा उस लेटर में बताया गया है। तो वो भी लेटर अब हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस लेटर में देख सकते हैं कि पंजाब राज्य के जितने भी सरकारी एडेड प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर 14 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने नेक्स्ट मेंशन किया है कि पंजाब राज्य में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धुंध भी बरकरार है, जिसके कारण पंजाब के सभी सरकारी एडेड प्राइवेट स्कूल्स में पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक सभी स्टूडेंट्स को 14 जनवरी तक छुट्टियाँ की गई हैं। तो 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सारे विद्यार्थी और प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं वो स्कूल में हाजिर रहेंगे। तो इसके संबंध में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी कर दी गई हैं। तो सभी स्कूलों के खुलने का जो समय है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। तो विद्यार्थियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाजिरी और समय को लेकर जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं उनकी पालना जरूर करवाई जाए। तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो लेटर है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को जारी की गई हैं। तो इसमें यही लिखा है कि पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको छुट्टियां रहेंगी 14 जनवरी तक, और जो 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में जाना होगा, वहां पर उनको क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट हैं जिनको छुट्टियाँ हैं वो ध्यान रखें कि किसी भी स्कूल में इन स्टूडेंट्स को ना बुलाया जाए। तो इस तरह अभी जो 8वीं और से लेकर 12वीं कक्षा तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अभी फ़िलहाल कोई भी छुट्टियां नहीं हैं और ना ही उनकी छुट्टियां जो हैं वो एक्सटेंड होंगी। तो अभी एक दिन निकल चुका है, तो अभी सिर्फ 4 दिन रह चुके हैं। तो सैटरडे और संडे को छुट्टी रहेगी और मंडे को तकरीबन सभी जो स्कूल्स हैं वो रेगुलर शुरू हो जाएंगे और आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। तो इसी तरह की और अपडेट्स जानकारी लेने के लिए बने रहेगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।